असल फ्रेंड, कैसे हैं? मैं करता हूँ खैरियत होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो आप सभी के दोस्तों की खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप फेसबुक पर किसी को अपने आप पर पेज में ऐड कर सकते हैं, एडमिन बना सकते हैं, और टू ऐड एन एडमिन टू फेसबुक पेज। आप किसी फ्रेंड को, किसी दूसरे या अपने जीमेल किसी और फेसबुक पर आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, एडमिन बना सकते हैं, ये हम सीखेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे। तो तमाम का तमाम इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको डिटेल से ज़ीरो टू एडवांस लेवल समझाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे आपने सिंपली आपने किसी को ऐड करना है एडमिन के लिए, उसके बाद उसको अपने पेज में कैसे आपने ऐड करना है, उसके बाद उसको एडमिन कद बनाना है, इसकी कैसे ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर एडमिन, एक तो एडमिन का ऑप्शन होगा और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, आपको मैनेजर, डायरेक्टर, ये वो सभी काफ़ी सारे आपको काम और भी कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आपने एडमिन बनाना है फेसबुक पेज पे, किसी और को अपनी दूसरी फेसबुक पे आईडी पर, या किसी और को अपने मैनेजर बनाना है। तो तमाम का तमाम इंशाल्लाह आज के वीडियो में आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना है। इसका फ़ायदा तो ये होगा कि जब भी हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते जाएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और साथ में आपने क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है। तो वीडियो को लाइक करने का ये फ़ायदा होगा कि हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई आती रहेगी कि आप हमारी वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप हमारी वीडियो को गौर से देख रहे हैं, तो इससे हमें और आपको अच्छी अच्छी वीडियो ला के आते रहेंगे आपके, अगर वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें। अब बात करते हैं कि कैसे आपने ऐड टू एडमिन फेसबुक पेज पर किसी को ऐड करके एडमिन किस तरीके से बनाना है, तमाम का तमाम इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से बैक आता हूँ। यहाँ पे बैक आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ रहा होगा। अगर तो ये अपनी वीडियो आप मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं, आपने थ्री डॉट वाले सेक्शन में क्लिक करना है, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको डेस्कटॉप साइड का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आपने उस पर क्लिक करना तो आपके सामने डेस्कटॉप साइड ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब यहाँ पर आएंगे, अगर तो ये वीडियो आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख रहे हो तो इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आपने फेसबुक पर आपने क्या करना है, ग्रुप में आपको एडमिन बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्च बार वाले सेक्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी फेसबुक ओपन करनी है। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली फेसबुक, उसके बाद यहाँ पर इसको एंटर कर देता हूँ। फिर मैं जैसे ही फेसबुक को एंटर करता हूँ तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये फेसबुक लॉगिन और साइन अप, उसके बाद बिजनेस मैनेजर, मीटा फॉर बिजनेस, नीचे अगर मैं आता हूँ तो मीटा फॉर बिजनेस सभी यहाँ पर ऑप्शन बता रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मीटा फेसबुक, ये फेसबुक का नेम यहाँ पर मीटा में कन्वर्ट करेंगे तभी मीटा आ रहा है। उसके बाद मीटा प्लेटफॉर्म, ये वो सारा इसका फेसबुक का बता रहा है। उसके बाद स्टॉक प्राइस, इसका विकीपीडिया पे फाउंडर, इस पर ये बता रहा है कि उसके बाद नीचे यहाँ पर इसके फाउंडर, उसके बाद सीईओ ये है, उसके बाद हेडक्वार्टर ये है, रेवेन्यू इतना कमा रही है सीएफओ, उसके बाद सब्सक्रिप्शन फाउंडर, ये वो सभी यहाँ पर बता रहे हैं। इनकी प्रोफाइल और कहाँ कहाँ पर पड़ी है तो यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ, सिंपली सब आपके सामने फेसबुक को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, हम जैसे ही यहाँ पर फेसबुक को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें सामने आ रहा होगा। तो ये मेरा पर्सनल फेसबुक का अकाउंट है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ तो अब आपने बाद हमारा वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आपने किसको ऐड अ मैनेजर बनाना है अपने फेसबुक पेज पे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली आपने क्या करता है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मोर वाले सेक्शन में मैं क्लिक करता हूँ तो मोर वाले सेक्शन में क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर मेरा नेम, उसके बाद यहाँ पर मेरी फ्रेंड लिस्ट, नीचे मेरे पेज, उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी ग्रुप्स, उसके बाद मार्केट प्लेस, उसके बाद वॉच, उसके बाद सीम और काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेगा। नीचे यहाँ पर मुझे तमाम के तमाम पेजेस वगैरह भी आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपने किसी को एडमिन बनाना है। पेज वगैरह में मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ये मेरे तमाम के तमाम पेज आएंगे। मिसाल के तौर पर इनमें किसी से अभी आपको मैं एडमिन आकर बना के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर रिलैक्सिंग म्यूजिक, इस वाले ग्रुप को, हम पेज को सिंपली आपके सामने मैं ओपन करता हूँ। फिर मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने मिला होगा। यहाँ पर ऐड बटन, उसके बाद यहाँ पर ये सभी बता रहा है, मेरे फ्रेंड वगैरह इनको आप ऐड कर सकते हैं, ये मेरी फोटो पोस्ट वगैरह सभी बता रहा है। तो ये मैंने बनाया था इसको, लेकिन मैंने चलाया नहीं, कोशिश नहीं की। तो ये देखें इस तरह कैसे आप बना सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है किस तरह से आपने अपने पेज में किसी को एडमिन बनाना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करोड़ों रुपये के नीचे आता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मेरे को एडमिन बनाने के लिए। सबसे पहले देखें इनबॉक्स, उसके बाद प्लेनर, उसके बाद यहाँ पर पब्लिक स्टोर, उसके बाद इंस्टाग्राम, उसके बाद न्यूज़ फीड, ये सभी आप देख सकते हैं। उसके बाद न्यूज़ फीड के बाद यहाँ पर मैसेज टूल, सर्चिंग, नोटिफिकेशन, इंसाइडर, उसके बाद एड, ये वो सभी आपको ऑप्शन मिलेगा। आपने सभी को छोड़
छोड़ देना है, यहाँ पर लास्ट में आना है एडिंग इन्फो भी आपने छोड़ देना है। यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर अपने अपने हिसाब से यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे देनी है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ जो मुझे लगा कि ठीक है वो मैंने डेली बनाया उसको मैंने इसी तरह से छोड़ दिया। अब आपने क्या करना है, सेटिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड मैं जैसे ही यहाँ पर सेटिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो हम ये सेटिंग में आ जाएंगे। सबसे पहले पेज विजिबिलिटी, उसके बाद विजिटर पोस्ट, उसके बाद फीड ऑडियंस विजिटर फॉर पोस्ट, उसके बाद ऑटो जनरेटर वीडियो कैप्चर सबस्टाइटल, उसके बाद ऑटो ग्रेटर रील, उसके बाद पोस्ट स्टोरी शेयरिंग मैसेज टैगिंग अवेलेबिलिटी, उसके बाद अदर टैगिंग दिस पेज, उसके बाद कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन एज डिस्क्रिप्शन कॉन्टेंट, ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिले होंगे। अगर मैं मैसेज वाले सेक्शन में बात करता हूँ तो मैसेज में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन, इससे यहाँ से आप अपने पेज को हर अपने हिसाब से, अगर आप एक्सपर्ट हैं यूट्यूब पेज के वाले से तो यहाँ से आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते, चेंज कर सकते आप करना चाहिए यहाँ पर, आपको सभी आपके हाथ में। उसके बाद पेज इन्फो भी बता रहा है, उसके बाद टेम्पलेट टैब, उसके बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद एडवांस मैसेज, उसके बाद पेज रूल्स, यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको बता रहा है। उसके बाद ब्रांडिंग ट्रेंड इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यहाँ पे सभी आप बता रहा है। तो इन सभी को आपने छोड़ देना, आप दे सकते हैं। लेकिन हमारा आज के वीडियो पर टॉपिक है कि कैसे आपने सिंपली पेज मैनेजर आपने सिंपली कैसे एडमिन को कैसे बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पेज रूल वाले सेक्शन में क्लिक करना है। तो फ्रेंड ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके लिए। आपने यहाँ पर पेज रूल में सबसे बता रहा है Everyone who work in on your page can have different and rule depend when they are on work। या अपने काम के हिसाब से different role आप यहाँ से काम कर रहे होंगे। उसके बाद ये वाला section ये देखें जो आप यहाँ से बनाएंगे वो सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं साल तौर पे। अब मैं क्या कहता हूँ, नीचे यहाँ पे selection ये कह रहा है कि आप सिंपली selection करें। आपके assistant है new page role, उसके बाद existing page role, तो ये सभी आप दे सकते हैं, new बना सकते हैं या old। उसके बाद community manager आप बनाना चाह रहे हैं या कुछ और, ये सिंपली आप दे सकते हैं, नीचे पढ़ सकते हैं। community manager can moderate chat comments suspend or remove people when you violation communities standard and see the admin, ये वो सारी आप यहाँ पे दे सकते हैं, इनको बता दिए। उसके बाद assistant and new page role, उसके बाद existing and old page, यहाँ पर admin ये हमें बता रहा है। अगर आप न्यू चीज पेज पे बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप न्यू चीज, अगर आप पुराने पे बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप पुराने का भी सिंपली बना सकते हैं इस तरीके से। अब आपने कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर न्यू पे बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पर उस फ्रेंड का नेम लिख देना है या उसकी मेल लिख देनी है जिस मेल पर आपको वो, यहाँ पर उसका फेसबुक का अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर एडिटर का ऑप्शन है, इसको आपने एडमिन कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही यहाँ पर आप एडमिन करेंगे तो ये हल्का सा चेंज हो जाएगा, जैसे इफ़ यू आर एडिटिंग ये वो सारा आप बता सकते हैं इस तरीके से। अगर आप एग्जिस्टिंग इसी पे बनाना चाह रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से, अगर न्यू वाला तो वो इस तरह से, एग्जिस्टिंग वाला ये वाला। जब आप एडमिन करेंगे तो यहाँ पर उसकी मेल लिखने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर एड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है तो वो भी एडमिन बन जाएगा, तो आप भी एडमिन बन जाएगा। उसके पास यहाँ पर आपके पास ये पोस्ट जाएगी, अगर उसको एक्सपेक्ट करेगा तो वो उठा लेगा तो आप वहाँ पर एडमिन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप भी एडमिन है तो वो भी एडमिन है, अब वो भी आपको खत्म कर सकता है, आप भी एडमिन कर सकते हैं। आपका जो बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग दोस्त है, ट्रस्ट वाला है, तो उसको भी आप यहाँ पर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरीके से आप एडमिन ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।